मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ा दाव चला है। यहां पर पूर्व सांसद कादिर राणा की जो पुत्रवधु है सुम्बुल राणा, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या इसके पीछे की अखिलेश यादव की रणनीति है, किस तरीके से मीरापुर की रणभूमि में चुनाव होगा, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब। शाहिद साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि सबकी नजरें टिकी थी कौन चुनाव मैदान में उतरेगा, कौन मैदान में आ सकता है। अब तो तस्वीर साफ हो गई है कि जो सुम्बुल राणा है उनको मैदान में उतार दिया है। जी देखिए, बाई इलेक्शन है और हर पार्टी बहुत सोच समझ के अपने कैंडिडेट उतार रही है। समाजवादी पार्टी ने भी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ के स्थानीय आदमी को टिकट दिया है। ये पहले वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, जिला पंचायत चेयरमैन रह चुके हैं, इन्हीं के परिवार में पहले भी एक चुनाव लड़ चुके हैं, घर घर से गांव गांव में सबसे जगह इनकी जानकारी है, ताल्लुकदारी है। अच्छा कैंडिडेट पार्टी ने उतारा है, इनकी पकड़ मजबूत है, अच्छा कैंडिडेट। अच्छा कैंडिडेट, क्या लग रहा है चुनाव का? अभी आरएलडी का प्रत्याशी तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यह है कि भाई चर्चा है कि भाई मुस्लिम कार्ड अखिलेश यादव ने खेल के एक बड़ा दाव चलाया, वो भी महिला को मैदान में उतारा है। कि महिला पुरुष से नहीं फर्क पड़ता है, तो उनकी बीवी लड़े, वो लड़े, बेटा लड़े, कोई भी लड़े, परिवार से मतलब होता है। और उन्हीं के परिवार की बहू लड़ रही है, वो मजबूत कैंडिडेट है, अच्छी कैंडिडेट है, इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, भरोसा है? पूरा भरोसा है, हमें भरोसा नहीं है, भरोसा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कुछ हो रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं, अगर वादों के हिसाब से बात चले तो पार्टी तो कहीं टिकती नहीं है, सरकार कहीं नहीं टिक रही है। सरकार ने जो कानून व्यवस्था है वो बेलगाम हो गई है, और इसका उदाहरण तो और कोई नहीं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही, जब ओपनली भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पीटा जाएगा, बात खराब, तो बात तो पता तो लगता है कि आखिर जनता में रोष कितना है। और उसके बाद में कितना कुछ भी मैनेजमेंट कर लो, लेकिन जो बात आती है सामने वो तो आ गई है कि कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी उससे अछूते नहीं है, उसको वो भी फेस कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब है, और अब जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन का इलेक्शन भी चल रहे हैं और फसल बोने का भी सीजन है। हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि पर आधारित है। अब आप बताइए कि आज बाजार में जो है डीएपी गायब है, नहीं मिल रही है, उधर फसल बोई जा रही है उधर डीएपी गायब है, यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, पेस्टिसाइड नहीं मिल रहा, तो ये सारी जनता इसको फेस कर रही है। और जब जनता फेस करती है तो वो रिएक्ट भी करती है, चुनाव में इसका रिएक्शन होगा, जो लाकानूनीयत है चीज़ों की है। अब देखो ना कहाँ है, एक तरफ तो किसान क्या जो धान है वो बाजार में उठने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ चावल जो कंपनी का है वो एक रुपया कम होने को तैयार नहीं। तो जनता देख तो सब रही है कि हमारा खेतों में पड़ा है, हमारा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, 2300-2400 का रेट नहीं मिल रहा, और जो कंपनी का चावल है वो 110-112-115 से नीचे नहीं जा रहा, आखिर है खेल क्या हो रहा है, जनता सब देख रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा कि जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, अखिलेश यादव और जो आपके जैन चौधरी हैं वो दोनों साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दोनों की राहें अलग हैं, तो जो ये चर्चा चल रही है कि भाई ये टिकट ऐसा है कि अखिलेश यादव जैन चौधरी से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए एक ऐसा कैंडिडेट उतारा गया जिसका परिवार पूरे घर घर से वाकिफ है। अच्छा, बदला भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी लोकदल से या हम लेना चाहेंगे? हमारा तो मामला खत्म हुआ भाई, वो अपने चले गए, वो अपना लड़ाएं, हम अपना लड़ा रहे, हमारा काहे का बदला है? वो अपना जिसको चाहे कैंडिडेट लड़ाओ, इसमें बदला क्या, हमें जो हमारा जो कैंडिडेट है हम अपने को लड़ा रहे। ये बीजेपी वाली और आरएलडी वाली कहानी थोड़ा सा बता। बीजेपी आरएलडी आपस में तय करें कि ये लोकदल पर रहनी है, बीजेपी में रहनी है, हमें क्या लेना देना इससे। वो तय कर ले कि चंदन लड़ेंगे, उनकी बीवी लड़ेंगी, चंदन किसी और को लड़ाएंगे, लोक दल किसको लड़ाएगी, भाजपा किसी को लड़ाएगी, इसका हमें क्या लेना देना, ये तो उनको तय करना। लेकिन मुकाबला तो खड़ा होगा ना, आपसे ही होगा ना चुनाव, होगा और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, अभी भविष्यवाणी कर दी आप? भविष्यवाणी मैं करता नहीं, हालात जो है पब्लिक के वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ
हमारी नीति, हमारा नेता और हम पे लोगों का विश्वास, यही हम समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीते। अभी आपने जो एक बात कही चंदन या चंदन की पत्नी का टिकट हो या किसी का हो, तो कुछ इशारा आपको लग रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं रोजाना चर्चाओं में जो बात है, मैं तो वही आपसे बात कर रहा हूँ जो चर्चाओं में। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी लोकदल जाने के अंदर खाने की स्कोर करेंगे, क्या इनकी आपस में तालमेल होगी तो ये जाने, इनका तो हमें नहीं पता है। लेकिन भाई लोकदल और भाजपा का है तो ये भाजपा लड़ेगी, अब भाजपा लड़ बस लोकदल लड़ेगा ही तो उनको तय करो। हाँ, लेकिन अभी तो जो सीट है वो लोकदल को दे दी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी है लोकदल का मसला है कि ये लड़े वो लड़े, तो वापसी तय करेंगे लोकदल को देंगे या भाजपा लड़ेगी, इसमें किसी का क्या हस्तक्षेप है, जाने उनका काम जाने किसको लड़ाना। लेकिन हॉट सीट कही जा रही है मीरापुर, और सबकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं, हर बार इस सीट का मिजाज बदल जाता है, इस बार आपको ये क्यों लग रहा है कि आप ही के पक्ष में माहौल रहे? अच्छा, इसमें हॉट और कोल्ड क्या है सीट का? हर जगह चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ेगी, जहाँ जहाँ भी हमारे गठबंधन में हम पे सीट लगेंगी, तो हॉट क्या हमारे लिए तो सारी हॉट सीट। लेकिन इस सीट पे इसलिए भी नजर है ना कि मैं पिछली बार जयंत और अखिलेश साथ मिले थे, इस बार अलग हैं। जयंत इस बार बीजेपी के साथ हैं और अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में हैं। अब हॉट ये है या मिल्कीपुर है जो इलेक्शन में से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी, कौन सी को हॉट मानोगे? तो आप लोग हैं मीडिया वाले, जिसको चाहो कोल्ड बनाओ जिसको चाहो हॉट बनाओ, ये तो आपका मसला है, लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन ही है, हमारे लिए तो सारी सीट हॉट है, हम तो सब पे हॉट मान के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जो खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे सबकी नजरें टिकी हैं इतनी जी, मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि सीधा की समाजवादी पार्टी जीतेगी, कैंडिडेट बड़ा मजबूत उतार दिया है, कोई सामने नहीं टिकेगा किसी दल को आप मान के, ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है? क्या लोकसभा चुनाव की तर्ज पे चुनाव होने जा रहा है? क्या गन्ने का रेट बढ़ा दिया है, खाद का रेट बढ़ा दिया है, खाद अवेलेबल है, जो रोजाना के जरूरियात की चीज है क्या उनके रेट घट गए हैं? क्या सब्जी दाल चावल इसके रेट आसमान पर नहीं है? आखिर क्या है, किस क्या मुद्दे हैं जिस पर लेके भारतीय जनता पार्टी बात करेगी? अब किसी भी सब्जी को ले लो, जब हमारे पास है किसान के पास है तो कोई उठाने वाला नहीं, और जब किसान से चली जाती है तो फिर मिलती नहीं। अब देखो टमाटर का मसला, कोई सी सब्जी ले लो, टमाटर है, भिंडी है, आलू है, कोई सी भी, मतलब महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई भी मुद्दा है, खादों का ना मिलना भी मुद्दा है, खाद का रेट बढ़ा है वो भी मुद्दा है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है वो भी मुद्दा है, MSP का ऐलान किया था वो भी मुद्दा है। कौन ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुद्दे नहीं है? हर बात का मुद्दा है वो, उनकी हर बात जो है, उनकी हर डिमांड जो वो जुमला है, तो जनता पूछेगी इसी चुनाव में कि भाई जुमलेबाजी आखिर कब बंद करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक है शायद मंजूर साहब, किस तरीके से कह रहे हैं कि जो मीरापुर में सुम्बुल राणा को जो टिकट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया है, सीधा कह रहे हैं कि मजबूत टिकट है, चुनाव भी हम जीतेंगे, सामने कोई टिकेगा नहीं, और इस बात को भी कह रहे हैं कि ना बसपा से कोई मुकाबला होगा, ना आजाद समाज पार्टी से कोई मुकाबला होगा, मुकाबला सीधा यहां जो RLD बीजेपी गठबंधन है उससे सीधा मुकाबला होगा। सनुज शर्मा, ABP न्यूज, मेरठ। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।